वेलकम फ्रेंड्स, हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी आज रिलीज हो चुकी है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे हॉलीवुड मूवी वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स डे वन वर्सेस किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंपैरिजन वीडियो को लेकर। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कंपैरिजन वीडियो शुरू करते हैं। रिलीज डेट वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी 10 जुलाई 2017, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी 10 मई 2024। टोटल थिएटर्स वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी 4100 थिएटर्स, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी 4200 थिएटर्स। डे वन इंडियाज नेट कलेक्शन वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी 2 करोड़ 20 लाख रुपीज़, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी आज इंडिया से लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपीस के आंकड़े को टच कर रही है। डे वन डोमेस्टिक कलेक्शन वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी 172 करोड़ रुपीस, वहीं पर किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी आज डोमेस्टिक से लगभग 125 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर रही है। डे वन ओवरसीज कलेक्शन वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी 266 करोड़ रुपीस, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी आज ओवरसीज से लगभग 175 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर रही है। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली कंपैरिजन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। डे वन वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी 438 करोड़ रुपीस, वहीं पर किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ रुपीस के आंकड़े को पार कर रही है। बजट वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी बजट 1000 करोड़ रुपीस, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी बजट 1340 करोड़ रुपीस। वर्डिक्ट वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी ने पहले दिन एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली थी, वहीं पर किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी ने अपने पहले दिन एक हिट ओपनिंग ली है। किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी का डे वन का जैसे ही कलेक्शन अपडेट होगा, मुझे उम्मीद है कि मूवी 300 करोड़ रुपीज के आंकड़े को भी पार कर देगी। मूवी का फाइनल अपडेटेड कलेक्शन कितना रहेगा ये जैसे ही अपडेट होगा वो मैं आपको कल बता दूंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।